हाय फ्रेंड्स, मैं रवि राठौर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की जानकारी एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी होने वाली है आपके लिए। आज हम आपको कुछ बताने वाले जो कि एक डीजे रिमिक्सर के लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना। तो आज हम आपको बताएंगे कि डीजे का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप डीजे सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा यूट्यूब पर तरह तरह के गाने जो कि रिमिक्स किए जाते हैं। मैं खुद भी एक डीजे रिमिक्सर हूँ। ये देखिए, मेरी टी शर्ट पर भी डीजे लिखा हुआ, नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है। लेकिन जो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देखिए पट्टू नायक लिखा हुआ है, ये मेरा डीजे नेम है जो कि मैं अपने गाने में यूज़ करता हूँ, डीजे पट्टू नायक। तो आज की जानकारी एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आज आपको डीजे का फुल फॉर्म बताने वाला हूँ, क्योंकि कई सारे डीजे रिमिक्सर ये होते हैं जिन्हें डीजे का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता और वे गाने रिमिक्स कर रहे हैं। अभी नए नए जैसे रिमिक्सर जैसे, हालांकि सभी लोग ये जानना पसंद करते हैं कि डीजे का फुल फॉर्म क्या होता है और हम क्या काम कर रहे हैं। अगर आपके कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। मैं जल्दी से आपको डीजे का फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखिए, डीजे का फुल फॉर्म होता है डिस्क जॉकी। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है डिस्क जॉकी। इसका अगर हिंदी में हम समझे तो शुद्ध हिंदी में आप कहा जाता है किसी भी संगीत का हास्य रूपांतरण करना, यानी नॉर्मल भाषा में अगर आप किसी भी म्यूजिक को इस प्रकार से एडिट करें जिससे कि कोई भी व्यक्ति आपका गाना सुनना पसंद करे और प्लस उसकी इच्छा हो कि वो इस गाने पर डांस करे। किसी प्रकार की बीट मैचिंग करवाना, डायलॉग वोकल्स जोड़ना और अलग से कोई म्यूजिक अपने गाने में ऐड करना और अपना नाम डालना। इससे क्या होता है कि जो नए व्यक्ति होते हैं जिन्हें डीजे का गाना पसंद नहीं होता, उन्हें भी ये गाने पसंद आने लगते हैं अगर वे उसे सुने तो, ठीक है। इस प्रकार की एडिटिंग को डिस्क जॉकी बोलते हैं, जो कि आप अपने गाने में ऐड करते हैं, अपने म्यूजिक को किसी प्रकार से एडिट करना और उसमें नए नए मतलब म्यूजिक ऐड करना, इससे कि आपका गाना सभी को अच्छा लगे। जैसे कि मेरे गाने लोग काफ़ी लोग पसंद करते हैं। मैंने अभी हाल ही में नया चैनल बनाया हूँ, उस पर बहुत ही जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। नायक जी करके चैनल है, आप वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए और उसे अगर आप पसंद आता है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने गाने सुनिए। अगर कोई आपकी डिमांड है तो वहाँ पर आप कमेंट कीजिए। जैसे कि मेरा एक गाना भी चल रहा है वे माही, जो कि 2.6 मिलियन पहुँच चुका है। ये अभी 2 महीने ही हुए हैं उस गाने को और मेरा गाना मतलब इतना पॉपुलर हो चुका है जो कि 2.6 मिलियन पर पहुंच चुका है। तो डिस्क जो कि इस प्रकार का एक कला भी बोल सकते हैं आप इसे, डीजे रिमिक्सर को, जो कि सीख कर आते हैं और अपने कंप्यूटर पर मिक्सिंग करते हैं और अपने चैनल पर उसे अपलोड करते हैं, प्लस अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप क्या काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो इस प्रकार की जानकारी रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे किसी ने पब्लिक प्लेस पर ही पूछ लिया कि भैया आप क्या करते हैं, आपने कहा मैं डीजे रिमिक्सर हूँ, तो आप उन्होंने आपसे पूछ लिया डीजे का फुल फॉर्म बताइए, तो फिर आपके पास अगर इसका जवाब नहीं होगा तो आपकी इमेज क्या बनेगी आप खुद ही जान सकते हैं। तो ऐसी जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की जानकारी देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया। हालांकि वीडियो मात्र 10 से 15 सेकंड का, लेकिन मैं डिटेल में आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको इस जो डिस्क जो कि है इसका महत्व क्या है और इससे आपको क्या क्या सीखना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।